गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी महादेवी। देखिए, हम लोग कॉफ़ी पीते हुए बारिश का मज़ा ले रहे हैं। आज है संडे, हम लोग कुछ देर से ही उठे थे, अब ब्रेकफास्ट हो गया, अब भी कॉफ़ी लेके हम लोग बाहर बैठे हैं बारिश देखते हुए। चलिए, अभी मैं लंच प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज संडे है ना, कुछ स्पेशल बनेगा। चलिए तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए। ये हमारे झाड़ के टमाटर है, देखिए ये छोटे छोटे टमाटर है। इसका मसाला करी बहुत अच्छा बनता है, इसीलिए मैंने आज सोचा मसाला करी बना देंगे। चलिए तो फिर बनाना स्टार्ट कर दें। इसके लिए हम लोग छोटे टमाटर को पहले ऊपर से काट लगा देंगे, ताकि उबलने के बाद छिलके अपने आप निकल जाए। और मैं यहाँ मसाला का प्रिपरेशन कर रही हूँ। मसाले के लिए मैं 3 बड़े टमाटर और 2 हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ली हूँ। इसका पेस्ट बना लेंगे हम लोग। चलिए फिर हम लोग पहले मसाला फ्राई कर लेंगे। इसके लिए कढ़ाई रखकर कढ़ाई के अंदर हम लोग आधा स्पून राई, आधा स्पून जीरा और थोड़े से मेथी डाल के हम लोग इसे अच्छे से भून लेंगे। इसमें से अच्छे से खुशबू निकलना स्टार्ट हो जाए तब तक हम लोग भून लेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि फली, तिल, इमली की खटाई और नारियल डाल के बना सकते हैं। मैं फिर कभी वो भी बताऊँगी आप लोगों को। और दोनों के स्वाद में कोई अंतर नहीं होता है, ये आप दोनों अपनी अपनी जगह पे उतने ही स्वादिष्ट होते हैं। चलिए तो अभी हम लोग कढ़ाई में पानी डाल के उबाल आने तक रख देंगे। पानी में उबाल आने के बाद हम लोग टमाटर डाल के पका लेंगे। और इधर हम लोग मसाला ग्राइंड कर लेंगे। मसाले के लिए मैंने दालचीनी, 2 लवंग, 2 इलायची और 3-4 काली मिर्च ली हूँ। और जो फ्राई करके रखे थे हम लोग जीरा, राई, मेथी वो भी, और 10 से 12 काजू ली हूँ मैं। इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। पानी में उबाल आ गया, हम लोग अभी टमाटर डाल के इसे 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अभी उसके बाद हम लोग ये टमाटर का भी पेस्ट बना के रेडी करके रख लेंगे। ये टमाटर उबलने के बाद हम लोग इसे निकाल के ठंडे पानी में डाल देंगे। अभी हम लोग इसका छिलका निकाल लेंगे। इसका छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है, देखिए। चलिए तो अब लोग हम लोग मसाला प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई रखे, कढ़ाई में मैंने तेल डाली हूँ। अभी तेल के अंदर जीरा और राई डाल दूँगी। अभी इसके अंदर हम लोग हींग डाल देंगे। दो साबुत लाल मिर्च और टमाटर का मसाला डाल देंगे। ये देखिए, अभी आधा ये फ्राई हो गया है। अभी हम लोग इसके अंदर रेगुलर के मसाले डाल देंगे, जैसे कि रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक और कोरिएंडर पाउडर। तीनों को डाल के अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, जो लोग ऑनियन और गार्लिक नहीं खाते हैं, ये वो लोग भी ये आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने इसमें ना ही ऑनियन डाला और ना ही गार्लिक डाला है। और बिना गार्लिक ऑनियन का भी ये बहुत स्वादिष्ट बना। जो लोग ऑनियन और गार्लिक नहीं खाते, वो लोग ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए।
चलिए फिर टमाटर मसाला पक चुका है, जो गरम मसाला और हम लोग काजू दाल के पेस्ट बना के रखे थे वो डाल के अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद एक 5 से 6 मिनट के लिए हम लोग ढक के इसे छोड़ देंगे। देखिए 5-6 मिनट के बाद तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, बस अभी हम लोग इसे और 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। इसके बाद जो मसाले से निकाला हुआ पानी था वो पानी डाल देंगे। आप जितना मसाला बनाना चाहते हैं उस क्वांटिटी में पानी डाल सकते हो। डाल के ऐसे अच्छे से मिला लेंगे। मिला के इसे ढक के हम लोग 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। और आज मैं बघारा राइस बना रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये साथ ये ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आज आप लोगों को विस्तार से नहीं बताऊँगी, स्पीड में बता दूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब के बाजू जो बेल बटन होता है उसे प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे, मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोग और कुछ देखना चाहते हो तो बता सकते हो। चलिए तो फिर ये ग्रेवी पक चुका है, हम लोग इसके अंदर जो उबाल के रखे थे हम लोग टमाटर वो डाल देंगे। अभी हम लोग इसे ढक के और 2 से 3 मिनट पका लेंगे। और इसमें हम लोग थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसे ढक के और 1 से 2 मिनट छोड़ देंगे। और इधर राइस भी रेडी हो चुका है, देखिए रेडी हो गया हमारा लंच। राइस, करी और रायता बना चुकी हूँ, अभी हम लोग लंच कर लेंगे। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो बताना मत भूलिए। चलिए तो फिर मिलते हैं। ओके।